हीरे की खान, पहाड़ों के बीच छुपी एक ऐसी जगह जहां सोना चांदी इन सबसे कहीं ज्यादा बेशकीमती हीरे दबे पड़े हैं। कहा जाता है कि यहां मिलने वाले हीरों के आगे कोहिनूर भी फीका पड़ जाता है। कई लोगों ने इस खजाने को हासिल करने की कोशिश की, कितनों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन ये खजाना किसी के हाथ नहीं लगा। हजारों सालों बाद वीरू नाम के एक शख्स के हाथ ये खजाना लगा और अब सिर्फ वही जानता है कि हीरे की खान तक पहुंचने का खुफिया रास्ता क्या है। शाका, यहाँ का एक नामी डकैत जो इस खजाने को हासिल करके दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। मारकाट, खून खराबा उसके लिए कोई नई बात नहीं है, वो भी हीरे की खान के हीरों को पाना चाहता है। उसके इस पागलपन ने ना जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। शाका का छोटा भाई विष्णु अपने भाई के शैतानी दिमाग से वाकिफ है, इसीलिए उसने वीरू के साथ मिलके इस खजाने को सुरक्षित रखने की कसम खाई है। निकल जाओ, मैं कहता हूँ आप यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। वीरू दादा, निकल जाओ यहाँ से, वो यही आ रहे हैं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। Hey, पता कहाँ है हीरे की खान का नक्शा? मुझे नहीं पता। ढूंढो इसके पास, कहीं कहीं रखा होगा। बोलो ना, नहीं पता। पता नहीं, मार दूंगा। निकाल, वो खोल, हीरे की खान का नक्शा निकाल। नक्शा कहाँ है? मुझे नहीं पता शाका। नहीं पता? मुझे सचमुच नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? मैं तेरा सगा भाई हूं, बोल बोल ना। मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तुझे नहीं पता? बोल, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, चल बोल। हीरे की खान का नक्शा कहाँ है? जल्दी बता। ए, बोल, चल बोल। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। Thank you.
अगर वो हाथ से निकल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ वही जानता है नक्शा कहाँ है। जाओ जाकर ढूंढ के लाओ उसे। मुझे हीरे की खान का नक्शा चाहिए। जल्दी जाओ, जाओ जाकर ढूंढो उसे। चलो जल्दी जल्दी, ये खजाना हमें यहाँ से लेके जाना है। जल्दी जल्दी करो। कमॉन जल्दी। अरे मुझे भी तो ऊपर चढ़ा। अरे चढ़ाना क्या है, पैर ऊपर रख के चढ़ जा। ये राजा अब तक क्यों नहीं आया? मुझे तो लगा था मैंने सही बंदे को सही काम सौंपा है। ट्रेन खजाना लेकर चली गई, क्या करूं मैं? प्रैक्टिस हो जाए। बेकार में क्यों दिमाग लगा रहे हैं? जब देखो तब गोलियां बर्बाद करते रहता है। आज तक कोई मच्छर भी मारा है तूने? तुझे फिर से ट्रेनिंग में भेजता हूं। इस बक्से में लाखों सोने के सिक्के भरे हैं। आंखें खुली रख के पहरा देना। ओके सर।
उठे। लगता है कोई लुटेरा है, छुड़े। अरे कहाँ मार रहा है? दिख नहीं रहा, मर गया क्या? ये लो आपका हिस्सा। आप कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने सही वक्त पर मुझे सही खबर दी। चेरू, अब एक महीने तक अपने को कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन मुझे हुई जब तुम वक्त पर नहीं आए, पर तुमने कर दिखाया। बेकार की बात छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ऐसी खबर देते रहे ना तो आपको मालामाल कर दूंगा। एक हजार इसकी तो अच्छा। इधर दो।
देखो देखो जलपरी पानी से बाहर निकल कर नहा रही है। कौन तुम लोग? क्या क्या चाहिए? घबराओ मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अरे ये तो आंधी है, किसी को पता भी नहीं पाएगी। बचाओ, क्या कर रहे हो? छोरी, जंगल में तुझे कौन बचाने आएगा? तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा। बस थोड़ी सी मस्ती करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? अरे लड़के लोगों, इसका सारा सामान समेट लो। कोई मुझे बचाओ। ओहो, इसके पास तो दो पिस्तौल है। भागो, भागो, भागो। कौन है? कौन हो तुम? घबराओ मत। लेकिन तुम, वो लोग भाग गए। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मेरा नाम टीना है। मैं बचपन से ही अंधी हूँ, पर मैं अपने घोड़े के सहारे सफर तय करती हूँ। वो सारे रास्ते जानता है। मैं अपने घर वापस जा रही थी और तभी रास्ते में ये गुंडे। डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग चले गए, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मेरा घोड़ा कहीं खो गया है, और अगर वो लोग फिर से वापस आ गए तो? मैंने कहा ना डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। आओ संभाल के। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? टीना। हाँ रुको रुको, वहीं रुको। ये क्या कर रही हो? मेरा बैग। क्या ये मेरा बैग नहीं है? मेरा बैग कहाँ गया? मैं जब तुम्हें मिला था, तुम्हारे हाथ में कोई बैग नहीं था। ओह माय गॉड, मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। अब मैं क्या करूं? उस बैग में मेरी माँ की आखिरी निशानी सोने की चेन थी। वो सब चला गया। अब प्लीज रोना बंद करो,
वो बैग जरूर यहीं कहीं होगा, मैं जाकर ढूंढता हूँ। थैंक यू। ये लो पानी। चाचा देखो चाचा कैसे उल्लू बनाया, अब ये सारा माल हमारा है। ये भी जमात गंधारी की एक्टिंग तुमने की, धृतराष्ट्र वो बन गया, अगर उसे पता चल गया तो वो हम दोनों का कीमा बना देगा, कीमा। चलो भागो। तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी हुई, सिक्का रख लो, खर्चे के काम आएगा। आज बिल मेरी तरफ से, जितना पीना है पिला दो, शो मेरा भी शो। मैं फिर जीत गया, मैं फिर से खेलूंगा, फिर से जीत जाऊंगा, रात भर खेलूंगा, फिर रहा पीऊंगा, डोंट वरी, टेक दिस। थैंक यू। ऐसा क्या बात है, वाकई मेहनत का काम है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, ये आराम की कमाई नहीं है, खून पसीने की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरी बाजी। शो मैं तो फिर से हार गया, कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाल के बराबर। बोलिए। ये कौन है? वो, उसका नाम दुबे है, चिंदी चोर है, पता नहीं आजकल इसके पास कहां से माल आ गया है, पहले लोगों से भीख मांगकर पिया करता था, आजकल लोगों को पिला रहा है। इसके साथ एक लड़की भी थी ना? लड़की? उसकी 50% पार्टनर है, वो भी आजकल पानी की तरह पैसे खर्च कर रही है, शॉपिंग करके आई है, ऊपर कमरे में होगी। कौन है, कौन है यहाँ? मेरा टॉवल, मेरे टॉवल कहाँ है, मेरे टॉवल? नौटंकी बहुत हो गई, बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं जीत गया, मैं माला माल बन गया। सुनो, ये खेल बच्चों का खेल नहीं है, एक भी पत्ती गलत आई तो बाजी हाथ से निकल जाती है, कंगाल हो जाते हैं।
रात भर जम के दारू पीना मेरी तरफ से। लगता है गलती से मिस्टेक हो गई है, मुझे लगता है तीसरा हाथ निकल आया मेरा, मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। टीना टीना जुआरी मेरी चालबाजी जान गए हैं, सामान समेटो और निकलो। आ? भी चाहिए। ये भी आ गए। ए, हिलना मत, पैसे निकाल जल्दी कर। ये लोग कौन है? इसने जुए में हमें उल्लू बनाकर हमारे पैसे ले लिए। डार्लिंग, इन लोगों को ये पैसे क्यों नहीं दे देते? अच्छा रख लो, खर्चे के काम आएगा। राजा को पकड़ना ही होगा। सुन बे, ये गंदा सा कुत्ता मुझ पे भौंक क्यों रहा है? कब से मेरे तंगड़ी कबाब को नजर लगा रहा है? घूरेगा ना सर, आप उसकी प्लेट में खा रहे ना इसलिए। क्या लेंगे सर? एक बियर। ये तो राजा ही है ना? हाँ। हम यहाँ की पुलिस को बता देते हैं। हाँ। और पुलिस राजा को पकड़कर जेल में डाल देगी। हाँ। पकड़ेगी वो, नाम हमारा। हाँ 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 हाँ। चल चल जल्दी कर चल। Catch him! आ गया हाथ में। Hi. Huh? Attack! मेरा नाम भावना है,
मेरे पिता जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी अजनबी से शादी कर लूं? मैं जानना चाहती हूं कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा, प्लीज बताइए ना। अपना हाथ इस पर रख दो। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत ही तकदीर वाला है वो। लंबा चौड़ा गबरू जवान, उसे कोई दुश्मन छू भी नहीं सकता। कभी कभी वो जमीन और आसमान के बीच मौत का खेल खेलता है। लोग तो उसकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। जिस तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी तरफ वो दुश्मनों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। माना मैं आपके पास अपने होने वाले पति के बारे में पूछने आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहानियाँ बनाकर सुनाती रहे। आपने जो भी बताया, मुझे नहीं लगता वैसा इस दुनिया में कोई भी आदमी होगा। ये सही है बेटी, वो एक राजकुमार है। मैं जो बोलती हूँ वो सच होता है। देख लेना, तुम्हारा पति बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरी बातें कभी गलत नहीं हुई। ऐसे ही दूर दूर से लोग मेरे पास नहीं आते। इसका मतलब वो सच में एक राजकुमार है? हाँ, और वही तुम्हारा पति होगा। पर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? निशान देखकर। उसके बदन पर एक निशान होगा। अच्छा, और वो निशान कहाँ होगा? उसकी बाई जांग पर, ऊपर की तरफ। लेकिन मैं वहाँ कैसे देख पाऊंगी? मैं बताऊँ? उसकी पैंट उतारो और अपनी आँखों से देख लो। पीछे से घेर उसे, मैं आगे से। चल ठीक है। हिलना मत। चिल्ला क्यों रहा है? कौन हिल रहा है यहाँ? हमारा माल निकल। तूने जो कुछ भी चुराया था वो सब कुछ दे। इस लफंगे को शूट कर दो। Yeah.
अरे छोड़ो, अच्छा ले जाओ। देख लो कहीं इन दोनों की जांघों पे वो निशान ना हो। ये बता, तूने यहाँ किसी पतले और लंबे आदमी को देखा है? उसके चेहरे पर दाढ़ी और उसकी उम्र होगी यही कोई 40 से 45 साल। माफी चाहता हूँ सर, मैंने नहीं देखा। शाका, हम पिछले 18 सालों से उसे ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है वो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं। मरा होता तो उसकी लाश हमें मिलती। वो अभी जिंदा है, जिंदा है। इस गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। हीरा और आपके पास? ये तो बहुत कीमती होगा। ये आपको कहां से मिला? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। ये हीरा रखो और मेरा एक काम कर दो। क्या करना है? चोरी, किडनैपिंग, मारा मारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बस एक लड़की को मानिकपुर पहुंचाना है। मुझे? वीरू दादा, मुझे क्या समझ रखा है? मेरे सर पे 1 लाख का इनाम है और आप मुझे ऐसा काम दे रहे हो? अरे जाना है तो ट्रेन या घोड़े पे बैठ के चली जाए। मानिकपुर ट्रेन नहीं जाती है। पहाड़, जंगल और नदियों को पार करके वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे रास्तों से वो अकेली कैसे जा सकती है? देखो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी, इसलिए ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, कौन है वो लड़की? मेरी बेटी। आप तो छुपे रुस्तम निकले। पहले हीरा, फिर एक लड़की, और क्या क्या छिपा के रखा हुआ है भाई। ठीक है, अपनी बेटी से कहना कल तैयार रहे, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। नहीं, कल नहीं, तुम्हें आज ही रवाना होना होगा। आप ऐसे अचानक मुझे अपने से इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं पापा? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे चाचा को कुछ काम है इसलिए उन्होंने तुम्हें जल्दी बुलाया है, वरना मैं ऐसे भेजता? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। चलो आओ।
जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें जिसके साथ जाना है वो बस आता ही होगा। मुझे ले जाने के लिए कोई लड़का क्यों आ रहा है? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? मैं खुद जा सकती हूँ। मेरी बात को समझो बेटा, एक हफ्ते का लंबा सफर है, खतरनाक रास्ता है, किसी का तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है, मान जाओ बेटा। ठीक है, जैसा आप कहें। लो देखो, राजा तो आ भी गया। अरे ये तो वही लड़की है। तुम चोर, रास्कल, स्काउंडरल, राउडी, बदमाश, गुंडे, लोफर। गाली बाद में देना, पहले एक बात बताओ, वो निशान वाला लड़का मिला क्या? ओ शट अप पापा, मैं इस लड़की के साथ हरगिज नहीं जाने वाली हूँ। तो किसके साथ जाओगी? तुम्हारे उस निशान वाले के साथ। ए, मेरे पर्सनल मामले में टांग मत अड़ाओ, समझे? ये क्या है बेटा, अब बच्चों की तरह बहस करना बंद करो। लेकिन पापा ये। बस करो, चुप हो जाओ, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, अगर मेरी जरा भी इज्जत करती हो तो इसके साथ जाओ। आपसे बात नहीं करूंगी। देखो राजा, बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, मेरे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, बस इसे मेरे भाई के पास सही सलामत पहुँचा देना, मेरी बेटी मेरी जिंदगी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सही सलामत पहुंचा दूंगा। मैं जानता हूं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ओके पापा, मैं जा रही हूं। तुम ये भूल गए बेटा, संभल कर जाना। अच्छा सुनो, घोड़े पे चढ़ना आता है या फिर मैं सिखाऊं? तुम जैसा गधा क्या सिखाएगा, मुझे घुड़सवारी आती है। भगवान बचाए घोड़ों को इस नकचड़ी से। शट अप, मेरा नाम भावना है। क्या रे, तुझे भी चलना है क्या? यार ये 100 किलो की बोरी कम है क्या? बता बता क्या दिख रहा है? वो किसी लड़की को अपने साथ ले जा रहा है। हाँ? चल चुपचाप उसका पीछा करते हैं। हाँ। सही मौका मिलते ही खत्म कर देंगे उसे। ओके चल। मुझे घूरना बंद कर और अपने पत्ते दिखा। टीना, क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हो? उन लोगों को चूना लगने ही वाला था कि आप आ गए, अच्छी खासी कमाई हो जाती। टीना, ये चिल्लर कमाई छोड़ दे, वो राजा ही गांव छोड़ के जा रहा है, जरूर कोई बड़ा माल हाथ लगा होगा, हम उसका पीछा करते हैं, हम भी माला माल हो जाएंगे। अरे वो वापस तो आएगा ही ना? वो वापस नहीं आएगा, एक सुंदर लड़की को लेकर जा रहा है, उसके साथ वहीं बस गया तो हम तो भिखारी हो जाएंगे, समझो टीना। लड़की? अच्छा है, अपने दिमाग की गर्मी को बचा कर रखना, शाम को हाथ सेकने के काम आएगी। शी, मेरी ड्रेस। ए घोड़े हट। अरे यार,
देखो निकम्मा कहीं का। सुनो, तुम काम करने में मेरी मदद नहीं कर सकते हो क्या? ये पापा ने भी मुझे किस खच्चर के साथ भेज दिया है, अब एक हफ्ते तक इसे झेलना पड़ेगा। बड़बड़ाना बंद करो, मेरा काम सिर्फ तुम्हें तुम्हारे चाचा के पास सही सलामत पहुंचाना है। मैं यहाँ तुम्हारी खातिरदारी के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, बैठे रहो, मैं कर लूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे बचपन से अपना काम खुद करने की आदत है। इससे बात करना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है, छोड़ दे भावना। So sweet. आ जाओ। Oh, so sweet. Oh, छोटा सा बेबी. Okay. क्या सोच रहे हो? देखा मैं कितनी बहादुर लड़की हूँ, तुमने तो मुझे मामूली समझा था। ओके। आउच, ए, काटो मत। अरे रुको, अरे काटो मत। अच्छा चलो अभी चले जाओ, जाओ कल मिलेंगे। देख के कोई जानवर पास नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जहरीले सांप जरूर आ सकते हैं। सांप से तुम्हें डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता। यहाँ कोई मामूली सांप नहीं होते, यहाँ पर कोबरा, अजगर, वाइपर, वुल्फ, स्नेक जैसे सांप होते हैं। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह तुमने शेर के बच्चे को चूमा था, अगर सपोले को चूम लिया तो वो तुम्हें नागिन की तरह डांस करवाएगा। गुड मॉर्निंग। Sorry, bad morning. No. Hey, मैंने कहा था ना तुझे, आँख खुलते ये सीधा अपनी गन को हाथ लगाएगा। Same to same वैसा ही हुआ, लेकिन इसे पता नहीं कि इसकी गन की जगह लकड़ी रख दी मैंने। Hey, 2 घंटे से तेरे उठने का इंतजार कर रहा हूँ, चल उठ जा। Hey, get up, उठ जाओ। Hands up. आदुपर, ये लोग कौन है, चोर हैं? चेहरे देख के लगता तो नहीं, पर एक नंबर के जोकर लग रहे हैं। मुझे तो लगता है इन्हीं में से कोई एक वो तुम्हारा निशान वाला राजकुमार है। चुप करो, ये टॉपिक मत निकालो। ये क्या बोली, कौन सा टॉपिक? खजाने वाला टॉपिक? बता। बताता हूँ, तुम्हारी जांग पर कोई निशान है? तब तो तुम्हें दौलत, शोहरत और एक खूबसूरत लड़की मिलने वाली। सच बोल रहा है तू? बचपन में तो निशान था, मिटा नहीं होगा तो जरूर होगा। तो अभी देख लो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। डोंट मूव, हिलना मत। क्या बात कर रहा है मैं? क्या निशाना है? ये लो और पत्थर लो, उसका सर फोड़ दो। ये लो, come on, do it. Yes. तुम्हारे पास तो गुलेल थी ही नहीं, हाँ? तुम्हें गुलेल मिली कहाँ से? बताओ ना, बताओ ना मुझे कहाँ से मिली? तुम्हारी गुलेल
बैरल गन की बराबरी कर रही थी। बताओ ना किससे बनाई प्लीज। इससे। क्यों मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो देखो मुझे लगता है वो यहीं पर रुके होंगे। तू मुझे जानती नहीं, लकड़ी को छूते ही मुझे पता चल जाएगा कि वो कितनी देर पहले गए। सपोर्टर ये जरूर उसी की होगी। जवान लड़का लड़की अकेले और उनके कपड़े बाहर पड़े हैं मतलब। चुप करो। क्यों रही हो, क्या हुआ? सांप ने काटा। सांप ने काटा? तुम्हें कैसे पता? वो देखो जा रहा है। कहाँ काटा? कहाँ काटा? दिखाओ मुझे। दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर, यहाँ पर। बहुत दर्द हो रहा है। हिलो मत बाबा, मुझे देखने दो, देखने दो। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी देखो ना प्लीज। ध्यान से देखो, सांप का ही डंक है क्या? ये तो पक्का सांप ने काटा है। साप कौन सा रंग का था? काले काले रंग का था। काले रंग का? ठीक से देखा था तुमने? देखा था। तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं। तुम्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। और क्या क्या हो रहा है तुम्हें? दे रही है। तुम्हें बहुत खतरनाक सांप ने काटा है। खतरनाक मतलब? आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। हाँ, ये तो पीली पड़ गई है। ज़बान दिखाओ। ओह, ये तो सूख गई है। अपने नाखून दिखाओ। इनका भी रंग बदल गया है। तुम्हारा टाइम ओवर भावना। तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगा? ऐसा मत कहो, कुछ भी करो, मुझे बचा लो प्लीज। अब ये जहर चूस कर बाहर निकालूंगा। कैसे? कैसे मतलब? मुंह से? मुंह से? ओके ओके, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, मैं मरना नहीं चाहती। ठीक है तो घूम जा। क्या 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 हुआ? जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? कितनी बेशरम लड़की है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चाचा मुझे जाने दो, मैं इसे मार डालूंगी। अगली ट्रेन से हमें वापस भेज दिया। चलो मुझे, चलो ना। अरे चलो, चुप। हटो। अरे झूठ बोला ना तुमने, सांप काटता।
बेचारे का एक दांत टूट गया होगा। तुमने मेरे साथ चीटिंग की, मुझसे झूठ कहा, मुझे किसी सांप ने नहीं काटा। जिसे काटना था वो तो काट गया, अब बात का भदंगड़ बनाने से क्या फायदा। बेशरम कहीं का, एक नंबर का झूठा है। इतना गंदा लग रहा है मुझे अब। मुझे अभी जाके नहाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ उस लड़की को देख के तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि तुम राजा को चाहती हो। ठीक है ना, तुम्हारी मुश्किल का हल मेरे पास है। यही एक सिरफिरा रहता है जो लड़कियों के लिए दीवाना है, इसके बारे में उसे बता देता हूँ, फिर वो इसे किडनैप कर लेगा, वो राजा तुम्हारा हो जाएगा और उसका पैसा मेरा। कौन है वो? डेंजरस डिगर। क्यों रे, मेरे लिए काम करता है और पुलिस को जाके खबर देता है कि मैं डायनामाइट सप्लाई करता हूँ। ये ले, इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली है, या तो तू मुझे इससे मारेगा या फिर मैं चाकू से मार डालूंगा। यही मौका है, अगर मैं मर गया तो तू बच गया, वरना तू गया। ठिकाने लगा दो इसको। शाबाश जगह, फेंकम फेंकी में मेरा जवाब नहीं और चाकू फेंकने में तुम्हारा। क्या बात है दुबे, तेरे जैसा झोलर मेरे पास क्यों आया है? तुम्हें बढ़िया शराब, लजीज कबाब, मदमस्त शबाब पसंद है ना, मैं तुम्हें ऐसी लड़की दिखाऊंगा कि तुम्हारी घंटी बज जाएगी। अभी तक क्यों नहीं आया? उसे मजा आएगा, उसे भी ले चलो। वो नहाने आई थी, कहां चली गई? तू यहां क्या कर रहा है? उसने मुझे उल्लू बनाया और वो डेगा उन दोनों लड़कियों को लेकर 9-2-11 हो गया। ये डेगा कौन है? थे, मैंने उसे तुम्हारी लड़की को उठाने के लिए कहा। नहीं कहा, मतलब मैंने उसे कहा कि मेरा तुम छुड़ा लोगे मुझे। अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा। पहले उन दोनों लड़कियों को तो बचा लो।
बड़े दिनों बाद दोहा सिनाई हाथ लगी है। आज की रात जश्न की रात होगी। चल चल ना, आलसी गधे की तरह धीरे धीरे क्या चल रहा है, चल, सुनाई नहीं देता। माफ करना, मैं जरा कैरेक्टर में ज्यादा घुस गया हूँ। मौके का फायदा मत उठा। ठीक है चलो आगे बढ़। अब ये कौन है दुबे? मुझे सिर्फ लड़कियाँ पसंद है, लड़कों का यहाँ आना मुझे पसंद नहीं। कौन है ये? ये सोने का मुर्गा है डेगा, इसे पुलिस के हवाले कर दो, माला माल हो जाएंगे। ये देखो इस पोस्टर में 20,000, इसमें 30,000, इसमें 50,000, पूरे 1,00,000 का मुर्गा है, चलता फिरता फुदकता हुआ 1,00,000 का बैंक चेक। अबे पैसों के लिए तो तू अपने बाप तक को बेच दे, तू भी तो इसे गिरफ्तार करवा सकता था, यहाँ क्यों लाया? दरअसल ये एक नंबर का कमीना है, कभी भी भाग सकता है, मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। और फिर हम इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, जितना भी पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अरे देख क्या रहे हो, इसे भी ले जाकर लड़कियों के साथ बांध दो। अबे रुक, इसे वहाँ नहीं टेंट में बांध। देखा, तुम जानते नहीं ये एक नंबर का चालाक है, वहाँ बांधा तो ये भाग जाएगा, इसलिए हमें चाहिए कि इसे हम अपनी नजरों के सामने रखें। हैं? अबे उल्लू की तरह देख क्या रहे हो, बांध दो इसे, ले जाओ। यहाँ से भागने की मत सोचना वरना जान देनी पड़ जाएगी। हाँ लफंगा लुच्चा। देगा शराब हो गई कबाब हो गया, अब मेरे पैसे दे मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। पहले इन लड़कियों से तो निपट लूं। लड़कियों से निपटने के बाद कहीं तूने मुझे ही निपटा दिया तो मैं क्या करूंगा। डिग्री कहा था, इधर क्यों फेंक दिया? क्यों रे, तू इन लड़कियों को मुझसे यहां छुड़ाने आया था? मैंने जो तुझे रिवॉल्वर दी है उसमें सिर्फ एक गोली है, अब या तो तू मुझे मारेगा या मैं तुझे मार डालूंगा, चॉइस तेरी है, यही मौका है तुझे अपनी जान बचाने का, सोच ले।
गोली मत चलाना, वहां डायनामाइट है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। रुको चाचा, कहाँ ले जा रहे हो? जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं वो आ रहा है, जाओ। अरे कच्चा नींबू समझ के छोड़ दे।
कितनी ऊंचाई है इस पुल की मालूम है? सिर्फ 200 फीट। लड़कियां लाओ। सारी लड़कियां मेरी बहन है, वरना मम्मी को तेरा नाम बोल दूंगा। अरे क्यों बार बार डरा रहा है मेरे को? अरे अरे कहाँ लटका लिया? ना जमीन है ना आसमान। अरे गिर जाएगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे कहाँ छोड़ के जा रहा है? अरे रुक जा, अरे रुक जा। अरे कुत्ता, कुत्ता, अरे कुत्ता, अरे कुत्ते से बचाओ, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। जिस आदमी की तुम्हें 18 साल से तलाश थी उसका पता चल चुका है। वो यहीं पास के गांव में छुपा बैठा है। निशान देखकर उसके बदन पर एक निशान होगा, उसकी बाई जांग पर ऊपर की तरफ। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि मेरी शादी उससे होगी जिसकी जांग पर एक निशान होगा। कहीं राजा के पैर पर वो निशान तो नहीं? लेकिन मैं पता कैसे लगाऊं? राजा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मेरे लिए? कुछ तो गोलमाल है, कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ये चाय। ये क्या? ओह, आई एम सो सॉरी, चलो जल्दी ये बैंड उतारो।
अरे शर्ट पर गिरा है, पैंट क्यों उतारूं? नहीं, पैंट पर भी गिरी है, मैं धो देती हूँ ना। ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जाओ। पहले आधी पागल थी, अब पूरी हो गई है। पैंट उतारने में इतना क्या शर्मा रहा है, एक बार उतार देगा तो क्या जाएगा उसका? पूरा प्लान चौपट कर दिया, चाय का प्लान तो फ्लॉप। अब कैसे उतरवाऊं उसकी पैंट, कैसे पता लगाऊं कि यही मेरा राजकुमार है या नहीं? कोई आइडिया भी नहीं आ रहा है। सोचो सोचो। आ गया आइडिया, अब देखो मेरा कमाल। मेरी अरे आग फैल जाएगी, तुम जल जाओगे। एक मिनट, डर। अरे तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, पैंट उतारो। अरे प्लीज एक बार उतार दो ना। जाओ यहाँ से। पैंट उतारने में तो इतना भाव खा रहा है जैसे इज्जत लूट रही हो, फट्टू कहीं का। ये अचानक आग कैसे लग गई? ये तो पीली पड़ गई है, जबान दिखाओ। ये तो सूख गई है। अब जो मेरे साथ हुआ था वही उसके साथ करूंगी। अब देखना मेरा आइडिया। तुम सांप, सांप है, देखो वो रहा। उसे तुम्हें काटा तो नहीं? ओ, तुम्हारा सर तो नीचे करा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। जहर निकालना पड़ेगा, चलो पैंट उतारो। ये क्या कर रही हो? अरे मेरी पैंट के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? अब गारंटीड तुम्हारा स्क्रू नट ढीला हो गया, तुम्हारे पापा को ये सब बताना पड़ेगा। निशान है या नहीं कैसे पता लगाऊं? मेरी प्यारी बेटी, तू जहां भी है मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि तुझे हर खुशी मिले। मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूं, मैं तो कब का मर चुका होता अगर मुझे वो भला डॉक्टर ना मिला होता। लो ये सूप पी लो, इससे तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी। लोग हैं जिन्होंने मुझे गोली मारी, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपने मेरी जान बचाई पर ये वापस छीन लेंगे। डॉक्टर आप मेरी जान बचा लीजिए, मुझे किसी भी तरह उनसे बचा लीजिए। डॉक्टर तुम इस जंगल के रास्ते से निकल जाओ। डॉक्टर आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये लीजिए, आपका शुक्रिया। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। अंदर देखो। Thank you.
18 साल, ना नींद ना चैन और ना करार। मैं एक आवारा कुत्ते की तरह तुझे ढूंढता रहा। चल बता, जल्दी बता वो नक्शा कहाँ है। ए, उसके लिए मैंने अपने सगे भाई को मार डाला। जल्दी बता, बता। उस वक्त तू बच के निकल गया, लेकिन आज नहीं। चल बता। नहीं बोलेगा? ठीक, तू ऐसे नहीं मानेगा। चल बोल, खोल अपना मुंह, बता, बताता है कि नहीं, बोल, बता ना, है, बोल, बोल ना, नहीं बताया, बता वो हीरे की खान का नक्शा कहाँ है, बताओ कहाँ है, बता। बिना बताए मर गया साला। नहीं, 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 उठ, उठ साला। नहीं, नहीं। शाका, वीरू का एक भाई भी है, माणिकपुर गांव में रहता, नाम है धर्मा, उसकी बेटी वहीं गई होगी। राजा, हम बहुत सफर कर चुके हैं, मैं थक गई हूँ, कुछ देर रुक के आराम कर सकते हैं? पास में एक कस्बा है, वहीं रुकते हैं। ठीक है। चाचा, इन पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते पैरों के तलवे घिस गए हैं। टीना, आज रात हम इसी होटल में रुक जाते हैं। मुझे यकीन है राजा भी यहीं कहीं होगा। बंदो इसे, दारू से गला तर किया जाए। इसका मतलब वो लड़की भी यहीं कहीं होगी। उस लड़की से तू निपटना और राजा का बाजा मैं बजाऊंगा। बेकार, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। हाँ।
राजा बोलो, प्यास लगी है, हमारा पानी भी खत्म हो गया है। पेट है या समंदर, प्यास ही नहीं बुझती। जोक था, हंसू क्या। हे हे हे, देखो वहाँ एक घर है। या नहीं, कहीं और चल के आराम करेंगे। मुझे यकीन है यहाँ पानी मिल जाएगा, चलो ना प्लीज। राजा क्या हुआ तुम्हें? जब से तुमने उस पुराने घर को देखा है इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? क्या बात है राजा? ये मूर्तियां किसकी हैं? अपना दुख दूसरों के साथ बांटने से दुख कम हो जाता है, मुझे नहीं बताओगे? तुम हो और ये मैं हूँ। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये पपी भी प्यारा है ना। अरे तुम हमारे साथ घर में रहोगे ना? हाँ बोलो, जवाब दो। दीदी रुको। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। रुको ना। अरे कितना तेज दौड़ रही हो, रुको। दीदी बहुत जोर से लगा क्या? दर्द हो रहा है, मैं भी भूख मारता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। पर तुम्हें तो चोट लगी थी ना। रुको ना दीदी। वो इसी घर में था, तूने उसका इलाज किया, उसके बदले उसने तुझे ये हीरा दिया। अब मुझे ये बता कि वो है कहाँ।
नहीं पता। नहीं पता? पता। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। और पता कहाँ है वो? नहीं जाता, नहीं जाता मैं। वरना जान से मार दूंगा। निर्मल, निर्मल, निर्मल। बोलता क्यों नहीं? पापा। नहीं, उसे कुछ मत करना, उसे जाने दो। उसने दोबारा क्या बिगाड़ा? उसे छोड़ दो। उसे ये चिड़ैया तो बहुत प्यारी है भाई। प्लीज प्लीज उसे जाने दो, उसे जाने दो प्लीज। ए डॉक्टर, अगर तू अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो बता दे, वरना ये मासूम बेवजह मारी जाएगी। बता वो कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मैंने बस उसका इलाज किया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। हट बिल्ले। तेरे दूध के दांत अभी गिरे नहीं और तू मुझसे लड़ने चला है? डॉक्टर, तेरा बेटा तेरा बोझ उठा नहीं पा रहा है, उसका दर्द कम करना चाहता है तो जल्दी बता कि वो कहाँ है, मैं तुझे बख्श दूंगा। आसमान एक करके उस वीरू को ढूंढ के लाओ। जल्दी करो।
जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को मारा, मेरी मासूम बहन को गोली मारी, उसे खत्म कर देना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। उसकी तलाश करने के लिए मैं चोर बन के घूम रहा हूं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है। भावना, तुम उसे पहचानोगे कैसे? उसका चेहरा तो ढका हुआ था ना, इतने सालों बाद उसे पहचानना मुश्किल होगा। उसके हाथ पर लगे घाव के निशान को मैं नहीं भूल सकता। मुझे यकीन है कि वो मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैडम, आपके चाचा का घर आ गया, मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ। तुम्हारा काम तब पूरा होगा जब तुम मुझे अंदर छोड़ के आओगे। अंदर जाके मुझे रुकने के लिए तो नहीं कहोगी? अगर तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो। तुम चलो, मैं आता हूँ। शरीफ को लेकर आता हूं। शरीफ, किसी ने बैंक मैनेजर धर्मा का खून कर दिया है। ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला? और तुम हो कौन? मैं वो हूं जो उनकी भतीजी को यहां लेकर आया। धर्मा की भतीजी? हाँ हाँ, धर्मा के भाई ने मुझे उनकी बेटी को उनके घर पहुंचाने के लिए कहा था, पर जैसे ही हम घर पहुंचे। चलो देखते हैं। बेचारा धर्मा बहुत भला आदमी था, पता नहीं उस बेचारे को किसने मार दिया, बहुत बुरा हुआ।
राजा, ये नक्शा मेरे लॉकेट में था। तो मुझे यही वो नक्शा है। तुम कौन हो? इतने सालों बाद मिल गया, ये मेरे हाथ लग गया। इस नक्शे के लिए दिन रात तड़पा हूं, इसके लिए मैंने 18 साल इंतजार किया। यही है खजाने का नक्शा, अरबों रुपए की हीरो की खान का नक्शा। इसे पाने के बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यकीन नहीं होता कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया। इसका मैं अकेला मालिक हूँ। मेरा कोई भागीदार नहीं। इसके लिए मैंने अपने सगे भाई को मारा, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तूने धर्मा को भी इसी नक्शे के लिए मार डाला है ना? हाँ, मुझे लगा था इस लड़की के बाप ने धर्मा को नक्शा दिया होगा। सिर्फ धर्मा को ही नहीं, मैंने इसके बाप को भी ऊपर पहुंचा दिया। वो साला इतने सालों तक मुझे चकमा देता रहा। तुमने मेरे पापा को मारा। इतने सालों की मेहनत पर तेरी वजह से पानी भर गया। तुझे नहीं पता मैं कितना तड़पा हूं। तेरी वजह से सारा खेल बिगड़ गया। हट! नक्शे को ठीक से देखा तक नहीं था और तूने उसे जलाकर राख कर दिया, खाक में मिला दिया। कोई नहीं जानता कि कहां पर है वो हीरे की खान, मगर तुझे पता है। राजा! नहीं, प्लीज उसे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज राजा को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। राजा, उसे कुछ नहीं पता, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगी, उसे छोड़ दो। धूबी शाका के खिलाफ जाता है उसका यही अंजाम होता है। अब देखती जा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज राजा को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो, मैं खामोश, प्लीज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगी। ले चलो इसको। ए राजा,
तुझे एक अलग किस्म की मौत देने जा रहा हूं, मजा आएगा। सुन, मुझे अभी मार दे, अगर जिंदा बच गया तो तू पछताएगा। जल्दी बता, हीरो तक पहुंचने का रास्ता कहाँ है? जल्दी बता, जल्दी बोल, बता कहाँ है? क्या 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 ये रास्ता जाता है वहाँ पर? जल्दी बता वरना मार दूंगा। मैंने नक्शे को अच्छे से देखा था, मैं तुम्हें डायमंड्स के पास ले जाऊंगी, मेरी बात मानो तो। जल्दी बताती है या फिर? अगर फिर से तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो राजा आके तुम्हारा हाथ काट डालेगा। राजा? बाजा बज गया, टिकट कट गया, गिद्धू से नोच नोच कर खा रहे होंगे। राजा यहां जरूर आएगा, मेरे लिए नहीं, अपने पिता की मौत का बदला लेने, उसे मारने जिसने उन्हें फांसी पर लटकाया था, तब वो 10 साल का था, वो जरूर आएगा। शाका, वो देखो। यही है वो निशान, हमें इसी तरफ जाना है। जा रहे हो? भावना को बचाने के लिए।
नदी को पार करने के बाद एक मोड़ आएगा, उसके आगे 180 कदम चलने पर तुम्हें डायमंड वैली दिख जाएगी। अब तू जा। था ना मैंने, तू मुझे जिंदा छोड़ के पछताएगा। रुक जा, सुन ले, मुझे मारकर तू बहुत बड़ी गलती करेगा। मेरे मरने के साथ साथ विकरास दफन हो जाएगा, तू बहुत पछताएगा। सिर्फ मुझे पता है कि तेरे बाप का कातिल कौन है। तुझे हैरानी होगी ना कि तेरे बाप के कातिल को मैं कैसे जानता हूं। तेरे बाप के गले में फंदा था और वो तेरे कंधे पे खड़ा था। जानता ये किसने किया है? मैं खत्म तो वो राज भी मेरे साथ खत्म। इसलिए मुझे मारने का ख्याल दिमाग से निकालते। कौन है वो? बता। बताऊंगा, पर तुझे मेरा काम करना होगा। जिस तरह 18 सालों से तेरे अंदर बदले की आग सुलग रही है, उसी तरह हीरों के लिए मैं भी तड़प रहा हूं। एक बार मुझे वहां ले जा, फिर तेरे बाप के कातिल का नाम मैं बता दूंगा। फिर तू अपना बदला पूरा कर लेना और मैं हीरे पालूंगा। ठीक है, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। इस लड़की को जाने दे। ए, लड़की को छोड़ दो। राजा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आज जाके जानने का मौका मिला है कि मेरे पापा और मेरी बहन को किसने मारा।
छोड़ोगा नहीं। भावना, तुम यहां से चली जाओ। मुझे नहीं लगता अब तुझे इसकी कोई जरूरत पड़ेगी। Thank you.
यही वो मोड़ है जिसकी वो लड़की बात कर रही थी। यहाँ से 180 कदम आगे जाने पर हम हीरे की खान तक पहुँच जाएंगे। गिनना शुरू करो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इक्यावन, 52, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। जल्दी से पीछे जा और फिर से गिनना शुरू कर। जा। यहां से आगे तो रास्ता ही नहीं है। 88, 89, 90 यहीं तक आता है शाका। यहीं तक आता है? साले ठीक से गिना है कि नहीं? हीरे की खान कहां होगी? सामने तो झरना है।
साथ धोखेबाजी कर रहा है? मुझे बेवकूफ समझ रहा है? बता बता, हीरे की खान कहाँ है? कहाँ हीरे की खान? कहाँ है बता? कहाँ है बता? बता कमीने, बता। मेरे साथ गेम खेल रहा है? मेरे साथ? मिल गए हीरे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, मैं राजा बन गया। जो चाहता था तुझे मिल गया। अब बता मेरे पिता को किसने मारा? एक काम और करना होगा तुझे। ए! इन सारे डायमंड्स को ऊपर ले जा रहा होगा, तभी मैं बताऊंगा। निशान को मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे
जिस तरह मैंने तेरे बाप और बहन को मौत के घाट उतारा, उसी तरह तुझे भी मारूंगा। आज मेरा बदला पूरा हुआ। राजा तुम ही हो। क्या तुम मुझे लालीपुर का रास्ता बता सकते हो? वहां जाना बहुत मुश्किल है। जंगल, जंगली जानवर, बड़े बड़े पहाड़। मुझे डराओ मत। तुम्हें कितना चाहिए? समझा, 50-50। शातिर चोर हो पर शक्ल से नजर नहीं आते। मुझे वो रास्ता अच्छे से पता है। बिना किसी कमीशन के मैं वहां ले जाऊंगी। इससे बच के रहना। ये कौन है? ये चोरों के राजा हैं।